अप्रीला नहीं आती है, जो लेटेस्ट है ये 2023 मॉडल है दोनों। जब चेंजेस है मैं वो आपको बताता हूँ। जो इसके दो, मैं इसका बूट स्पेस आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका बूट स्पेस। आपको वहाँ एवरेज के मामले में बात करूँ तो एवरेज दोनों का ही बहुत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। फिर से हाजिर है आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 2 अप्रैला, जो ये मेरी वाली है पुरानी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपको आई बटन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके देख लेना। और यहाँ पे खड़ी है मेरे दोस्त की स्कूटी, जो है 160 cc, और ये रेस एडिशन है। इससे ऊपर अप्रैला नहीं आती है, जो लेटेस्ट है ये 2023 मॉडल है दोनों। और आप देखो कैसी लग रही है आप दोनों को। सामने से फ्रंट से अगर लुक की बात करते हैं तो दोनों एग्जैक्ट सेम है, बस थोड़ा जो ग्राफिक्स है उसके ग्राफिक्स बहुत अट्रैक्टिंग लग रहे हैं और इसके थोड़े से ओल्ड स्कूल लग रहे हैं। जो कलर भी थोड़ा ऐसे मैट फिनिश में है, और ये भी मैट फिनिश में है, ब्लैक में। दोनों कलर भी बहुत, दोनों के एक्सेलेंट है। आप देख सकते हैं आगे से, ये है रेस एडिशन, एक 160 cc है ये अप्रैला। ग्राफिक्स पे कंपनी की तरफ से डिज़ाइन किया गया है, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा, देखने में भी बहुत प्रिटी लग रही है। मोटे मोटे जो इसके मेजर चेंजेस हैं मैं वो आपको बताता हूँ। जो इसके दोनों के फ्रंट व्हील हैं वो दोनों के सेम है, 14 इंचेस उसमें आते हैं, 14 इंचेस इसमें आते हैं। अलॉय आपको उसमें कलर्ड मिल जाता है, बॉडी कलर का, जैसे ऑरेंज कलर का उसमें स्टिकरिंग हो रखी है वैसे आपको अलॉय मिल जाएगा। और 125 cc में आपको ब्लैक ही मिलेगा, चाहे आप इसका वाइट कलर लो, चाहे रेड लो, चाहे ब्लू लो, ठीक है। आगे आपको फ्रंट इसमें स्टिकर मिल जाएंगे, ऐसे स्टिकर यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टिकर मिलेगा जो कंपनी प्रोवाइड करती है। साइड में आपको सेम यहाँ पे ग्राफिक्स और कंपनी कलर वाइज मिलेगा, और यहाँ पे रेस एडिशन का कुछ टैग मिल जाएगा। पीछे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अलॉय विल अगेन सेम सॉकर, आपको इसमें भी रेड मिलता है। और ये मेरा ब्लैक कलर है, मेरे को इसमें ब्लैक मिला है, दूसरी आप लेंगे वही दूसरा कलर तो उसके साथ आपको रेड मिलेगा। बाकी साइड से देखने में है, और यहाँ पे कुछ रेस की बैजिंग हो रखी है जो इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाती है। और इसमें आपको सिंपल SR125 यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। बाकी दोनों स्कूटी ओवरऑल सेम है, बस इंजन में फ़र्क है, ये 125 cc है, वो 160 cc है। इसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगी, पिकअप भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, और उसका उतना ही कम हो जाएगा जितने वो अपने सेगमेंट में है। दोनों 125 वो 160 ही है, और अपने अपने सेगमेंट में दोनों किंग है दोनों। इसका जो प्राइस पड़ता है वो पड़ेगा आपको 140 के आसपास का, या और ऑन रोड आपको जाके पड़ जाती है ये 1.5 लाख की। और जो यया वाली स्कूटी आपको देख रहे हैं रेस एडिशन, ये आपको ऑन रोड कहीं ना कहीं जाके विद इंश्योरेंस 170 के आसपास की पड़ जाती है। कंपनी की तरफ से आपको इसमें आपके शीशे मिल जाएंगे, और आगे के ये हैंडल गार्ड मिल जाता है देखने को। साइड स्टैंड वगैरह कंपनी में इंक्लूडेड नहीं होता है, इसमें सिर्फ डबल स्टैंड कंपनी प्रोवाइड करती है। और भी ऐसी बहुत सी एसेसरीज होती है जो अलग से हमें लगवानी पड़ती है, जैसे लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट आता है पैर रखने के लिए, वो कंपनी नहीं देती है, उसका अलग से चार्ज करती है 3500 समथिंग, 4000 के आसपास उसका वो आता है। और यहाँ पे आप गार्ड देख सकते हैं, दोनों में मैट नहीं है, ये दोनों की बॉडी फ्रेम है जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। और ये काफ़ी गंदा हो जाता है और ये घिस भी जाता है, मेरी स्कूटी का तो ऑलमोस्ट घिस भी चुका है, बल्कि ये स्कूटी मेरी स्कूटी से ज़्यादा पुरानी है। देखो कितना गंदा सा हो गया, बहुत बेकार हो गया है ये, तो कंपनी को इस चीज़ पर थोड़ा काम करना चाहिए। और बिल्कुल ओवरऑल सेम है, कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। बाकी अगर आपने इस अप्रैला के बारे में आपको थोड़ा और वीडियो देखना होगा तो आप मेरे आई बटन में जाके इसको देख सकते हैं, मैंने पहले इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। डिग्गी मैं आपको दिखा देता हूँ, डिग्गी मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं दिखाई थी तो मैं इस बार दिखा देता हूँ इसकी डिग्गी कितनी है। ये है इसका कुछ बूट स्पेस, आप इसके अंदर बड़ा हेलमेट नहीं रख सकते, छोटा एक लेडीज़ हेलमेट इसके अंदर आता है, ये सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है। और इस मैं इसका बूट स्पेस आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका बूट स्पेस, आपको वहाँ मिल जाएगी एक लाइट, रात को आपको बहुत मदद करेगी। यहाँ पे आपको मिलता है एक चार्जिंग सॉकेट जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और डिग्गी में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है पेट्रोल डालने के लिए, और यहाँ पे आपको टूल किट मिलती है जो मेरी गिर के टूट गई है और अंदर गिर गई है, वैसे ही सेम आपको बूट स्पेस इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका बूट स्पेस भी वही है, वहाँ पे सेम एज इट इज़ प्लेसमेंट है हर चीज़ की, कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है, बस पैसे का फ़र्क है और परफॉर्मेंस का फ़र्क है। जितना पैसा डालोगे उतना मज़ा आपको मिलेगा। 160 cc है परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, 125 cc है परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी। अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी है दोनों स्कूटियाँ, ठीक है। आप इसको चलाइए, शोरूम में जाके विजिट करिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, लेने से पहले ज़रूर देखें। 150 के आसपास ये पड़ जाती है, और 170-175 के आसपास आपको वो पड़ जाती है। तो एवरेज के मामले में बात करूँ तो एवरेज दोनों का ही बहुत कम है, पर्सनली मैं चला रहा हूँ 30-35 के ऊपर का एवरेज ये नहीं देती हैं, तो इस चीज़ को आप माइंड में लेकर चलिए कि आपको मतलब अगर इतना आप बेयर कर सकते हैं ऑफिस जाने के लिए तो आप तभी पैसा खर्चें। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर और भी कोई सजेशन हो किसी और गाड़ी के बारे में आपको, या किसी टू व्हीलर कार के बारे में आपको कोई वीडियो देखना है तो हमें इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में जुड़ने नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन बाय, टेक केयर, पीस।